अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेदक डिस्ट्रिक्ट नरसापुर तालुक़े में जो पिछले दो दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस ताल्लुक से बताना चाह रहा हूँ। जो हादसा हुआ 7 तारीख के दिन, जो इमरान नामकारी जो लड़का है, उनकी होटल है नरसापुर में, और वहाँ पर जो गैस सिलेंडर सप्लाई करता है बच्चा लिंगम, उस बच्चे के पास गैस सिलेंडर डालने के लिए गया था। वहाँ पर डालने के 1-2 घंटे के बाद फिर एमटी सिलेंडर के लिए गया था। एमटी सिलेंडर के लिए गया था लिंगम, तो वहाँ पर तकरार हुआ, डकलम डकली थी, जिसके बाद जो इमरान लिंगम के ऊपर जो वाकया करे वो गलत था, जिसके बाद लिंगम माला डाले हुए थे। उसके बाद लिंगम जाकर जितने भी स्वामियाँ हैं माला डाले, उन लोग को लेकर आकर इमरान के ऊपर तमाम मिलकर गड़बड़ करे। उस दरमियान में जो आयशा अंजुम जो लड़की है, वो लड़की बीच में आई भाई को बचाने के लिए, वहाँ पर ढकलम ढकली में आयशा अंजुम वहाँ पर से हट गए बाजू, और उसके बाद दोनों के ऊपर केस बुक हुआ, इमरान के ऊपर लिंगम के ऊपर, और इमरान जाकर कोर्ट से बेल ले लिए, और उसके बाद लिंगम माला डालने की वजह से नरसापुर पुलिस खामोश थी। माला डाले और माला डालने के बाद निकालने के बाद अब उनको इंशाल्लाह अरेस्ट करेंगे। रहा सवाल जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस ताल्लुक से मैं और सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब SP मेदक साहिबा से बात करें, और उन्होंने बताया कि आज की तारीख में भी जो अबरार आयशा अंजुम के हस्बैंड है वो कंप्लेंट दे, और जो 14 तारीख के दिन पेटला बुरुज के अंदर जो आयशा अंजुम को एडमिट किए, जिसके बाद आयशा अंजुम डिलीवरी हुई, उसके बाद 3 दिन नीलोफर हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद बच्चे का जो पैदा हुआ उस बच्चे का देहांत हो गया, और उसके बाद उनको खुद नहीं मालूम है, और जो आयशा अंजुम है उनकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये रहते हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में रहने वाले। और इस ताल्लुक से SP और इंस्पेक्टर नरसापुर DSP तुफरान ये बता रहे कि अगर आयशा अंजुम के हस्बैंड या आयशा अंजुम इनके ऊपर लिंगम जिसके ऊपर भी कंप्लेंट करे, या बच्चे का देहांत हुआ उसके ऊपर तहकीकात करने के लिए पुलिस नरसापुर DSP और SP तहकीकात करने के लिए तैयार है। आज भी अगर चाहे अपराध आयशा अंजुम उनके कोई भी जाकर कंप्लेंट करे तो इंशाल्लाह उनकी तहकीकात करेंगे, और जो मुजरिम है उनको सजा देने के लिए पुलिस तेलंगाना तैयार है। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूं कि जो झूठे वायरल हो रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसको खास तौर से सदर मोहतरम खुद SP साहिबा से बात करें और DSP तुफरान से भी बात करें। मैं खुद इंस्पेक्टर नरसापुर DSP से और SP साहिबा से बात करा और ये तफसीलात बताएं, और उसके अलावा जो नईम साहब हमारे वाइस चेयरमैन है म्यूनसिपल नरसापुर के, उन्होंने खुद तफसीलात बताए और उनको खुद नहीं मालूम है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, और ख़ास तौर से जो मुरली यादव वहाँ के जो साबिका चेयरमैन म्यूनसिपल थे, उन्होंने खुद जाकर बीच में बीच बचाव करे, उसके बाद दरफा दफा हुआ, उसके बाद केस बुक हुआ। मैं इस मीडिया के जरिए यही बताना चाह रहा हूँ कि झूठे वीडियोज है और इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, और आयशा अंजुम अबरार इन लोग जाकर अगर आज की तारीख में भी कंप्लेंट करें तो पुलिस तैयार है तहकीकात करने के लिए, और पूरी रिपोर्ट मंगा रही है पेटला बुरुज और नीलोफर हॉस्पिटल से, ये बच्चे का देहांत कैसा हुआ है यही बताना चाहूँगा। शुक्रिया।